हरे कृष्णा राधे राधे। उस इंसान की ख्वाहिशें हमेशा पूरी होती है जिस इंसान तक महालक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए अपने सच्चे दिल से मां लक्ष्मी के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना करती हूं। हे मां लक्ष्मी, होठों पे हंसी, दिलों में खुशी, गम का कभी नाम ना हो। इस वीडियो को सुनने वाले को दुनिया की सारी खुशियां मिले और उन खुशियों की कभी शाम ना हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज आपको कार्तिक महीने में धनतेरस की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन धन और आरोग्यता, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वो समुद्र मंथन के समय अपने साथ अमृत का कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। यही वजह है कि भगवान धन्वंतरी को औषधि का जनक, औषधि का पिता कहा जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन धातु, कोई भी धातु खरीदना भी अच्छा होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से हमारी किस्मत चमक जाती है। धनतेरस पर भगवान यमराज के निमित्त भी दीपदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस के दिन दीपदान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। अब आपको धनतेरस की एक बड़ी सुंदर कहानी बताती हूँ। धनतेरस मनाने की कथा के संदर्भ में ये एक कहानी बहुत प्रचलित है। प्रेम से मन से भाव से सुने। राजा हिम के पुत्र की कुंडली में शादी के बाद चौथे दिन सांप के डसने से मौत होना लिखा था। जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। सावित्री को अपना आदर्श मानते हुए उसने किसी भी तरह राजकुमार को बचाने का निश्चय किया। चौथे दिन धनतेरस का था, सांप के डसने का अंदेशा था। राजकुमार और उसकी पत्नी अपने कमरे में ही बैठे थे। रानी ने अपने पति को सोने नहीं दिया। अपने सारे जेवर, गहने, सोने चांदी के सिक्के आदि से दरवाजे पर एक बड़ा सा ढेर बना दिया और सब तरफ दिए जला दिए। इसके बाद अपने पति को कहानियां और गीत आदि सुनाने लगी ताकि उन्हें नींद नहीं आए। जब राजकुमार की मृत्यु का समय आया तब यमराज सांप के रूप में दरवाजे के पास आए तो सोने चांदी जेवर और दीयों की रोशनी के कारण उनकी आंखें चुंधियाने लगी। यमराज राजकुमार के कमरे में प्रवेश ही नहीं कर सके। उनका ध्यान कहानी और गीत के कारण भी भटक गया। बहुत कोशिश करने पर भी वो कमरे में घुस ही नहीं सके। राजकुमार की मौत का समय टल गया, सुबह हो गई। तब यमराज अपने असली रूप में आए और रानी से बोले, तुमने अपने दृढ़ संकल्प से अपने पति की मृत्यु का समय टाल दिया। तब रानी बोली, हे महाराज, मैं बचपन से कार्तिक व्रत, पूजा पाठ, दान धर्म, निर्जला एकादशी व्रत आदि सब करती हूँ। कृपया मेरे पुण्य और मेरी आयु लेकर मेरे पति को आयु वृद्धि दे। यमराज रानी की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, रानी, तुम्हारे संकल्प से ही तुम्हारे पति की आयु बढ़ चुकी है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। तब रानी ने कहा कि प्रभु, कोई आसान उपाय बताओ ताकि लोगों को आपको भय ना रहे। तब यमराज बोले कि जो कोई मनुष्य आज के दिन यानी धनतेरस के दिन मेरे निमित्त दीपदान करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, उसे मेरा भय नहीं रहेगा। और ये कहकर उन्होंने रानी को आशीर्वाद दिया और यमराज अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से धनतेरस मनाया जाने लगा। इस दिन को यम दीपदान के रूप में भी मनाया जाता है। यमराज के निमित्त दीपदान करने से परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। बोलो यमराज की जय। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का भी बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी देव हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले थे तो
इस कलश के लिए देवता और दानवों में बहुत भारी युद्ध हुआ था। इस कलश में अमृत था और इसी से देवताओं को अमर तत्व प्राप्त हुआ। तभी से धनतेरस पर प्रतीक के रूप में बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस बर्तन की भी पूजा की जाती है और अपने और अपने परिवार की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मां लक्ष्मी के श्री चरणों में एक प्रार्थना, दीप जले तो रोशन आपका जहान हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो, मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर, इस धनतेरस पर आप बहुत धनवान हो। अब एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपको कार्तिक महीने में धनतेरस की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्लीज हमें सपोर्ट करें, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।